नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में शुरू होने जा रहे हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कॉलेज की प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव के सह संचालक डॉक्टर विजय पराटकर को प्रभारी डीन बनाया गया है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ए के राय ने बताया कि हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कॉलेज की जमीन के सीमांकन की प्रक्रिया पिछले 4 दिनों से जारी है। मई माह के माह में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। भीषण जल संकट के दौर में निस्तार का पानी सप्ताह में 2 बार दिया गया है, वहीं पीने योग्य पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जुनारदेव विकासखंड की सबसे बड़ी पंचायत माने जाने वाली ग्राम पंचायत दालतावादी के 20 वार्डों के लोग हर वर्ष गर्मी के पेयजल को लेकर परेशान होते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने नए सत्र 2019 और 20 के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए हैं। जिले सहित प्रदेश के शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया 10 जून से शुरू होगी। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें CLC चरण भी शामिल है। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया 10 जून से और स्नातकोत्तर में प्रवेश प्रक्रिया 15 जून से आरंभ होकर जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक चलेगी। पांडुर्ना के जुनेवानी जलाशय को इस बारिश में अधिक से अधिक भरने के लिए ऋषि बाबा डैम का गहरीकरण किया जा रहा है। यह कार्य पिछले दिनों से युद्ध स्तर पर नगर पालिका ने प्रारंभ किया है। पिछले साल इसी ऋषि बाबा डैम में जमा हुए बारिश के पानी को प्रतिदिन जुनेवानी जलाशय में लिफ्ट कर 60% तक भरने में सफलता पाई गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।